अयोध्या के जो में जो राजू दास महाराज हैं वो तो अयोध्या के डीएम पर एकदम से हाथ धो के पीछे पड़े हुए। जरा इनको एक मुझे उनकी बाइट एक मिली है, जरा उसे सुन लेते हैं पहले। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का जो तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया है। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी है। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना, और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी, हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि सुरक्षा बहाल करें। और ये तो अपनी जुगाड़ में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मनीष जी, जरा दर्शक ये समझे कि ये हनुमानगढ़ी, अयोध्या हनुमानगढ़ी के मानता है, और हनुमानगढ़ी बनारस के संकट मोचन मंदिर के बाद हिंदुस्तान में हनुमान भगवान की दूसरी सबसे सिद्ध पीठ कही जाती है। संकट मोचन बनारस के बाद नंबर दो पे हनुमानगढ़ी का ही महत्व है, और असीम श्रद्धा है करोड़ों हिंदुओं की, ये वहां के मानता है। और इससे पहले जो मनीष जी वो खबर आई थी, वो अभिषेक उपाध्याय का जरा ट्वीट पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद इन पे बाबा जी की बात करते हैं, जो राजू दास कह रहे हैं, जो इनका गुस्सा आप देख रहे हैं प्रकट, नाराज है बहुत ज्यादा इनके अधिकारियों ने इनका सुरक्षा छीन ली और फलाना किया धमाका किया, उस पर इनका जो इनका गुस्सा कितना जायज है। और वो रिपोर्ट जो है वो मैं केवल वो रिपोर्ट ही नहीं है, वो बहुत चर्चा बहुत आम हो गई है, जो कुछ उस रिपोर्ट में ट्वीट में चर्चा है, लेकिन क्योंकि वो एक तरह से उन्होंने ट्वीट किया तो इसलिए उसको दिखाना जरूरी है, उसी से आपको अच्छा, समझ में अभिषेक आ ने जो जाएगा। रिपोर्ट हाल कल ही में इसकी बात हो रही थी कि हाँ ये सूत्रों के हवाले से कहे, अयोध्या से बड़ी खबर, बीजेपी की हार की समीक्षा के दौरान नोकझोंक, महंत राजू दास और डीएम के बीच झड़प, सूत्र दो मंत्रियों की तीखी नोकझोंक हुई। ये इसी पे हम कह रहे थे कि ये जो, और ये पता चला कि इनको इनके बगल में डीएम नहीं बैठ रहे हैं, इसके लिए इन्होंने आपत्ति दर्ज की और फिर बवाल उठा। एक और तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है, ये भाई साहब तो विश्व हिंदू, ये शिवसेना से जुड़े हुए थे, महंत राजू दास ने छोड़ा बीजेपी, साथ में ज्वाइन किया शिवसेना। जरा तारीख बता दीजिए मनीष जी, पहले जरा पहली वाली खबर दिखा दूं मनीष जी, ये प्लीज इसको 2017 की तारीख है, नवंबर 2017 की। दिखा। मैं जरा पहले खबर पढ़ दूं, उसके बाद मनीष जी आता हूँ, क्योंकि राजू दास को भी कई कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जरा पढ़ दूं कि जो खबर है अभिषेक उपाध्याय वाली, कि एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर की यूपी में अधिकारी बनाम बीजेपी की लड़ाई में हदे पार, अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान देर रात हुआ हंगामा और हाई प्रोफाइल झड़प, योगी सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों के सामने डीएम अयोध्या नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच हुई तीखी नोकझोंक, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में हुई झड़प, राजू दास अयोध्या के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर हार पर अपना फीडबैक देने पहुंचे थे, उस दौरान डीएम अयोध्या नीतीश कुमार मौके पर मौजूद थे, वे राजू दास के प्रशासन के खिलाफ दिए बयानों से बेहद नाराज थे, उन्होंने राजू दास के साथ बैठने से किया इनकार, फिर शुरू हुई तीखी झड़प, मंत्रियों की मौजूदगी में हुई झड़प के बाद राजू दास के साथ आए गनर को वापस जाने को कहा गया, गनर वापस लिए जाने के बाद राजू दास अपनी हत्या कराने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, अतीत में कई विवादों और विवादास्पद बयानों के लिए चर्चित रहे हैं राजू दास, दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन के असहयोग और अधिकारियों की मनमानी की हो रही थी शिकायत, मंत्रियों की मौजूदगी के चलते सरजू गेस्ट हाउस में उनसे मिलने पहुंचे थे डीएम, ये है मूल खबर। तो अब मनीष जी जरा उस खबर में अभी आते हैं जो आप पहले दिखा रहे थे, कि जरा हटा लीजिए मनीष जी उसको, अभी फिर दिखाते हैं कि राजू दास
मैंने कहा ना कि हनुमान गढ़ी के मंत्र बहुत सम्मानित है, बहुत सर्वोच्च पद है, बात समझ लीजिए। अगर आप राम मंदिर के पुजारी के बात की बात करिए तो आस्था श्रद्धा का पूरे हिंदुस्तान की आस्था श्रद्धा का केंद्र उसके ये मान था और ये नेतागिरी कर रहे थे। अधिकारियों की नकारापन, निकम्मापन, भ्रष्टाचार, ये हम लोग तो मनीष जी पहले दिन से बोल रहे हैं, 4 जून से बोल रहे हैं, और हमारा और मनीष जी का तो एक बार कहना समझ में आता है कि हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से ही कहते हैं, हम लोग पत्रकार हैं, कोई विशेष सुविधा प्राप्त लोग नहीं है। राजू दास को मनीष जी ये शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। अब आता हूँ असली मुद्दे पे, क्योंकि राजू दास मैं जहां तक राजधानी लखनऊ को मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई दरबार नहीं है जहां पे ये बेरोक टोक ना आते जाते हों, यानी मुख्यमंत्री योगी तक ये सीधे पहुंच सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं कि अगर ये मिलना चाहें तो, ऐसा नहीं कि इनको मना कर दिया जाएगा। और यहाँ के मंत्रियों का तो मुंडन, छेदन, शादी ब्याह, जनेऊ और कथा हो रही हो, गृह प्रवेश हो रहा हो, एट होम हो रहा, तो राजू दास आपको चमकता हुआ चेहरा आपको नजर आ जाएगा। राजू दास का सत्ता के बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वहां पर राजू दास चमकते हैं, शादी ब्याह में तो बड़े कंपलसरी आइटम होते हैं। तो जो राजू दास की इतनी सत्ता के पास बड़ी पहुंच थी, उन राजू दास को 4 जून के परिणाम के बाद क्यों ये सारे सुझाव समझ में आ रहे हैं? ये तो राजू दास को पहले दिन से करना चाहिए था, या तो ये कहे कि मैंने योगी आदित्यनाथ से कहा, योगी आदित्यनाथ ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं हो सकता, सारे मंत्रियों के पास जाते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वयं इनका मिलना जुलना था और बड़ा मतलब फ्रीक्वेंट था, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा रोक टोक के बाद हो। तो जो आदमी इतनी सीधी पहुंच वाला, हर शादी ब्याह मुंडन छेदन में राजू दास लखनऊ में चमकते थे, इनको कभी मौका नहीं मिला कि अयोध्या में क्या हो रहा है या अयोध्या में नौकरशाही कैसा नंगे राज कर रही है। नौकरशाही की शिकायत तो पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही है, हम लोग तो पहले ही बोल रहे, लेकिन हम लोग का तो केवल इस कार्यक्रम में बोलना समझ में आता है कि हमारी या मनीष जी की किसी कोई सीधी पहुंच रही है कि यहाँ से फोन कर दो सीधे योगी आदित्यनाथ उसको उठा लेंगे, लेकिन राजू दास की यह हैसियत है। तो 4 जून तक तुम क्यों चुप रहे? जवाब तो पहले ये देना चाहिए। वो मंत्री गेस्ट हाउस में मंत्री ने डीएम को बुलाया था, क्या समीक्षा हो रही थी वहां पर, आपके जाने का क्या मतलब था? आप वहां क्या रंगबाजी दिखाने गए थे? इससे समझिए आप इनकी हैसियत, समझिए कि इनकी क्या हैसियत है कि ये वहां पर भी पहुंचकर इनको एंट्री मिल गई। तो राजू दास की वो पहुंच है और इनकी क्या पहुंच है, क्योंकि वो हनुमानगढ़ी के महंत है इसलिए पहुंच है। तो उसके बाद बाहर आकर आप इस तरह से रंग में भंग कर दिए, काम खत्म हो गया। वो मंत्री क्या बात करते, डीएम से क्या बात करते, आप अलग से मिलकर बस बात कर सकते थे, या सीधे मुख्यमंत्री से पिछले 2-3 साल मिले आपने क्यों नहीं बात की वो? तो नहीं, ये असल में अब तो वो बहती गंगा में हाथ धोना है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, अब वो पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, तो इन्होंने इनके अपने क्या कारण है वो जरा मनी जी अब वो दूसरी खबर दिखा दीजिए। अब जरा दर्शक दूसरी खबर देखेंगे, ये जो खबर आपको दिख रही है, इस खबर के पीछे की खबर का कारण आपको दूसरी खबर में समझ में आएगा कि वो खबर क्या है, कि ये क्यों इतना आग बबूला बैठे हैं, वो भी सुनिए। महंत राजू दास ने छोड़ा बीजेपी का साथ, ज्वाइन की शिवसेना, ये 2017 की खबर है, नवंबर 2017 की, जब मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी। नहीं, आ गई थी मनीष जी, आ गई थी, बट हाँ वही कह रहा हूँ, आ गई थी सरकार, तब इन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया था। हाँ, योगी बाबा आए उसके 8-9 महीने बाद इन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। और कारण क्या था? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, बीजेपी के समर्थक राजू दास ने पार्टी से नाराज होकर शिवसेना का दामन थाम लिया है। राजू दास पार्टी से मेयर का टिकट न मिलने पर नाराज थे। अरे जो आदमी हनुमानगढ़ी का महंत, वो अयोध्या का मेयर, मतलब पैर की धूल, उस हनुमान जी का वो स्थान है कि वहां के महंत के पैर की धूल मेयर, लेकिन ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे, नेतागिरी करना चाह रहे थे इनको, और इनको जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने बाकायदे भाजपा छोड़ के शिवसेना ज्वाइन कर ली। मुझको तो ये भी नहीं मालूम था कि ये भाजपा में थे, मैं तो इनको हनुमानगढ़ी मंदिर का महंत समझता था, मैं नेता नहीं मानता था ये भाजपा के नेता, मैं हिंदुत्व का एक समर्थक कह लीजिए, पहरेदार कह लीजिए, ये हिंदू के हनुमानगढ़ी के मान से अपेक्षाएं कुछ दूसरी होती होनी थी। और जरा आगे पढ़ देता हूँ कि अयोध्या नगर निगम से हनुमानगढ़ी के मान राजू दास के लिए संभावना जताई जा रही थी, बीजेपी उन्हें मेयर प्रत्याशी बना सकती है। इस संभावना ने तब और जोर पकड़ लिया था जब राजू दास ने महंत योगी के साथ अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में मंच साझा किया था। दरअसल अयोध्या में चुनाव 15% चुने जाएंगे, जो मेयर के लिए वोट करेंगे तो छोड़ दीजिए। हालांकि दास की कम उनकी उम्मीदवारी को मजबूत कर रही थी, लेकिन शनिवार को टिकट ना मिलने से वह इतने नाराज हो गए
और रविवार को ही शिवसेना में शामिल हो गए। ये ऐसे समझिए हनुमान गढ़ी का जो महंत हो वो एक चिरकुट से पद के लिए इस कदर से बेचैन हो, तो समझा जा सकता है हिंदुत्व के रक्षक के कौन होंगे। ये जरा मनीष जी, अयोध्या आपने देखा, छोटा सा एक बने कस्बा था, तो योगी बाबा ने उसका जो भव्य विस्तार किया है, उद्धार किया, तो उससे थोड़ी है वो और उसका बड़ा हो गया। वहां का मेयर होना ना होना कोई मतलब है? यानी जो लोग हुए वो कौन से बड़े जाने पहचाने लोग थे? वो भाजपा ने अपने किसी कार्यकर्ता को दिया, वो अच्छा था बुरा था वो भाजपा तय करेगी, और उसके लिए ये, और ये किस हद तक महंत जी बेचैन थे कि इन्होंने योगी, मतलब जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो योगी बाबा आठ महीने यहाँ मुख्यमंत्री हो चुके थे, तो इनको योगी बाबा से कोई लेना देना नहीं था, उनके कामकाज से कोई लेना देना नहीं था, इनको मेयर का टिकट नहीं मिला, कूद के चले गए, इन्होंने पार्टी छोड़ी, शिवसेना में है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी इतनी पहुंच वाला था उसने 4 जून 2024 तक जवान क्यों नहीं खोली? कभी मैंने कभी स्टेटमेंट नहीं सुना मनीष जी कि अयोध्या प्रशासन क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहा, या ये बताते कि मैंने योगी से मिलकर इनकी शिकायत, कभी नहीं। और अब यह आया तो अब जैसे होता है ना कि वह एक जो मन में दबी होती है वो अब वो मौका मिला है तो चलो हम भी यहाँ दो लें, तो ये इस पूरी खबर के पीछे की दूसरी खबर ये है। और ये वैसे भी स्टूडेंट लीडर थे साकेत महाविद्यालय में, अभी कैसे महंत बने क्या बने ये तो ईश्वर छोड़िए। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि अब इनका जो बयान अभी जो हम लोग पॉलिटिकली सुन रहे थे जिसमें कह रहा है कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ, अरे मैं योगी का भक्त हूँ, आप हनुमान गढ़ी के महंत हैं, हनुमान जी के भक्त से जब आप हैं तो फिर आपको किसी के भक्त होने की जरूरत नहीं है। ये दिख रहा है कि सिर्फ सुरक्षा के लिए आदमी चापलूसी में लगे हुए हैं और हनुमान गढ़ी के सम्मानित गद्दी का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग यदि हिंदुत्व के पैरोकार होंगे तो तय सी बात है कि कोई जावेद ये करतूत करेगा और उसका उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। इसीलिए संगठित आवाज हो ही नहीं सकती मनीष जी, संगठित आवाज हो ही नहीं सकती। नहीं, जब हनुमान गढ़ी की गद्दी पर बैठा व्यक्ति अपने एक सुरक्षा गार्ड के लिए ये कहता हो कि मैं तो भक्त हूँ मोदी का, मैं बीजेपी का भक्त हूँ, आपको ये कहने की जरूरत क्या है? आप हनुमान गढ़ी के यदि हैं गद्दी पर बैठे तो आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। आप हिंदुत्व की बात करो, सनातन के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, आपको तो आपके मुंह से तो ये शब्द निकालना ही नहीं चाहिए कि मैं पार्टी का फलाना पार्टी का ये हूं। ये दिखता है कि आप चापलूसी करना चाह रहे हैं एक बॉडीगार्ड के लिए। तो ऐसे लोग जो एक बॉडी जिसका मतलब जो जिसके रक्षक हनुमान जी हो और जो हनुमान जी के मतलब जिसके पास हनुमान ही हो खुद, तो फिर उसे दूसरे की जरूरत क्या है? तो ऐसे यदि सनातन के हिंदुत्व के रक्षक हैं, ये भगवान हनुमान जी का कद छोटा करने वाली बात है। इसीलिए हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया कि समझिए कि ऐसे पैरोकार यदि होंगे तो हिंदुत्व का क्या होगा, और यही दुर्गति की वजह हुई। आज ये डीएम पी ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए डीएम ने एक तरह से इनके मतलब धक्के मार के एक तरह से बाहर किया, और ये अपमानजनक और निश्चित रूप से तय सी बात है कि डीएम ने यदि फैसला किया होगा तो यूं ही नहीं किया होगा। नहीं मनीष जी, और अपमानजनक है, जरा गौर करिए कि हनुमान गढ़ी के महंत और अयोध्या के डीएम का ये साहस हुआ कि उसने कहा मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, तो सोच लीजिए कि आपने हनुमान गढ़ी के महंत की गद्दी को कितने निचले स्तर पे पहुंचा दिया। अन्यथा अच्छा या बुरा किसी डीएम की यह हैसियत नहीं है कि वो कह दे कि मैं हनुमान गढ़ी के महंत के साथ नहीं बैठूंगा, हो ही नहीं सकता मनीष जी, असंभव। यानी तुमने उस पद को ही उस पद की गरिमा ही कितनी निचले स्तर पर ला दी है कि उस डीएम का ये साहस हुआ कहने का, अन्यथा वो मान नहीं उस गद्दी से, वो भगवान हनुमान से डरता है व्यक्ति, ये उनके सेवक हैं, ये उनकी सेवा में रहते हैं, मैं कैसे कह दूंगा कि मैं इनके साथ नहीं बैठू, कह ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने इतने छरछंद दिखा दिया वहां पर अयोध्या में, इतने कर्म हो गए कि वो आपने गरिमा सब खत्म कर दी उसकी।